हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कामनी और आज मैं आपको गेंदे की कटिंग लगाना बताऊंगी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड, जो आप देख रही हैं ये मैरी गोल्ड का प्लांट है, इसे गेंदा भी कहते हैं। फ्रेंड्स देखिए कितना प्यारा फ्लावर्स आ रहा है इस पर। और ये दो सीजन का प्लांट होता है, समर सीजन का भी मैरीगोल्ड होता है और विंटर सीजन का भी प्लांट होता है। फ्रेंड्स मेरे ये विंटर सीजन के प्लांट हैं जो इस समय फ्लावरिंग दे रही हैं। देखिए कितने प्यारे फ्लावरिंग दे रही हैं। और आप इसकी कटिंग लगाएंगे तो बहुत ही जल्दी ईजिली ग्रो हो जाती है इसकी कटिंग। और इन फूलों में भी देखिए कितनी खुशबू होती है, खूब बढ़िया खुशबू आती है इन फ्लावर्स से। देखिए कितना प्यारा और सुंदर फ्लावर्स खिल के आया है। फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। मैं आज आपको इसी की कटिंग लेकर बताऊंगी कि किस तरह से आप भी ग्रो कर सकते हैं इसकी कटिंग को। फ्रेंड्स इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। फ्रेंड उससे पहले मैं आपको कटिंग लगाना बताऊं, उससे पहले आप मेरी कटिंग देख लीजिए जो मैंने कटिंग द्वारा ग्रो किए हैं। ये कटिंग द्वारा लगाया हुआ प्लांट है। देखिए फ्रेंड्स मेरी गोल्ड पर फ्लावर्स आने लग गए हैं। मैंने इसकी कटिंग एक महीना पहले लगाई थी, सो ग्रो हो चुकी है। मैंने कई कटिंग लगाई हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स एक कटिंग मैंने ये लगाई थी, देखिए इस पर कलियाँ बन रही हैं। देखिए फ्रेंड्स कलियाँ भी निकल के आ गई हैं, कितनी अच्छी ग्रो हुई है इसकी। एक कटिंग ये लगाई थी फ्रेंड्स, इस पर भी देखिए कलियाँ बन रही हैं, इसके अंदर भी कलियाँ आई हुई हैं। ये भी कटिंग द्वारा लगाया हुआ है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ये भी कटिंग है जो मैंने कटिंग लगाई है। देखिए फ्रेंड्स खूब अच्छी तरह से ग्रो हो चुकी हैं। देखिए फ्रेंड्स आप भी इसी तरह कटिंग लगा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स कुछ कटिंग काट लेते हैं जो हमें ग्रो करनी है। एक कम से कम 3-4 कटिंग तो लगाइए फ्रेंड्स, और कटिंग कम से कम 3-4 इंच की लीजिए जिससे आसानी से आपकी कटिंग ग्रो हो जाए। फ्रेंड्स मैंने मेरे गोल्ड की कुछ ब्रांचों को कट कर लिया है जो मैं ग्रो करूंगी। फ्रेंड्स ये मेरी गमले की मिट्टी है, अगर आप सैंड में लगाना चाहें तो आप सैंड में भी कटिंग को लगा सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल मिट्टी में लगाना चाहें तो आप नॉर्मल सोइल में भी लगा सकते हैं इसकी कटिंग को। इसका पड़म 100% अच्छा रहता है फ्रेंड्स, और बहुत जल्दी ग्रो कर जाती हैं ये। आपकी कटिंग 15-20 दिन में बहुत जल्दी ग्रो हो जाएंगी फ्रेंड्स, और फ्लावर्स भी आने लग जाएंगे और कटिंग भी खूब अच्छी चलेगी आपकी। फ्रेंड्स इसमें मेरी सोइल मिट्टी और रिवर सैंड मिला हुआ है इसके अंदर। अब मैं इसी में ही अपनी कटिंग को ग्रो करके बताऊंगी। फ्रेंड्स आप छड़ की सहायता से आप इसमें होल कर लीजिए इस तरह से। चलिए आप इस तरह से होल करिए जिस तरह से मैंने होल किए हैं। अब ये फ्रेंड्स ये ब्रांच है, आप इतनी इतनी इनकी पत्तियों को नीचे से हटा दीजिए, जो हमें कम से कम इतनी हमें इसमें रखनी है। और हमने इसको इतना इसके अंदर गाड़ देना। ये तो फ्रेंड्स 100% आपको इसका परिणाम बहुत अच्छा मिल जाएगा फ्रेंड्स। ये तो बहुत जल्दी कटिंग लग जाती है मेरी गोल्ड की। तो फ्रेंड्स मेरी ये कटिंग मिट्टी के अंदर लग चुकी है। देखिए फ्रेंड्स अब मैं इसमें पानी दे दूंगी इस तरह से, आप भी पानी दे दीजिएगा इस तरह से।
और आप इसे 4-5 दिन के लिए शेड में रख दें, धूप में ना रखें फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी बहुत जल्दी कटिंग ग्रो हो जाएगी अगर आप इसे शेड में रखते हैं तो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।